दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन बार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई नॉलेज नहीं देने वाला हूं, बट हाँ आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग कीबोर्ड का, माउस का। और दोनों जो है वो काफी अच्छे हैं। अगर आप एक पीसी के लिए कीबोर्ड या फिर माउस परचेस करना चाहते हैं तो दोनों क्वालिटी काफी अच्छी है। कैसा है ये ब्रांड साइडिल आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक छोटा सा अनबॉक्सिंग भी आपको देखने को मिलेगा और टेस्टिंग करेंगे हम आज के इस कीबोर्ड की। तो सारी डिटेल आज के इस वीडियो में होने वाली है। दोस्तों उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करके इनेबल कर लीजिए। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों यहां पर हमारे पास है एक कीबोर्ड जो कि प्रोडॉट का है और इस पे लिखा गया है, सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं, प्राउड टू बी फर्स्ट मेड इन इंडिया। और आपका ये इंडियन का जो लोगो है वो मुझे काफी देखने में अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंडिया का लोगो है वो काफी देखने में अच्छा लग रहा है। और हमारे पास एक नहीं बल्कि दो दो कीबोर्ड्स अवेलेबल है इस समय। एक ये हो गया और ये एक हो गया, दोनों एक ही ब्रांड के हैं। और साथ ही साथ है विंटेज का दो माउस जो कि मेड इन इंडियन है। यहाँ पर दोनों चीजें हैं हमारे पास मेड इन इंडियन और दोनों अच्छे ही ब्रांड है। अब यहाँ पर मैं किसी एक का अनबॉक्सिंग कर लूंगा तो आपको दोनों का भी पता चल जाएगा। तो सिंपल तरीके से मैं किसी एक का अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे इसे खोलता हूँ और ये काफी सिंपल तरीके से इसका जो बॉक्स है वो खुल जाता है। यहाँ पर मैंने इसे ऑफलाइन परचेस किया है तो यहाँ पर कोई ऑनलाइन वाला कोई भी पैकिंग नहीं देखने को मिलता है। सिंपल तरीके से अगर कीबोर्ड की मैंने अनबॉक्सिंग की है तो वहां पर कीबोर्ड ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक पॉलीथीन है, पॉलीथीन को जैसे ही मैं रिमूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं एक काफी अच्छा कीबोर्ड है जिसका डिजाइन जो है वो काफी मैट फिनिशिंग के साथ है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कुछ अलग ही कटिंग देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात ये कीबोर्ड जो है वो काफी हल्का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडॉट की जो ब्रांडिंग है यहाँ पर वो की गई है और काफी अच्छा है ये कीबोर्ड। यहाँ पर आपको डाटा केबल जो है वो काफी लंबा मिल जाता है और साथ ही साथ सेटअप भी आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने माउस की। तो यहाँ पर हमारे पास माउस भी अवेलेबल है तो सिंपल तरीके से इसे भी मैं ओपन कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक देखने को मिल जाती है, नॉर्मल सी पॉलीथीन। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा माउस भी काफी अच्छा है। अब यहाँ पर मैं इसे लैपटॉप में अपने लगा के चेक भी कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसे लैपटॉप में लगाया यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर एलईडी लाइट जो है वो उसके इनेबल हो गए हैं और यहाँ पर आप माउस को अब रन भी करा सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने माउस को जैसे ही यहाँ पर अपने कागज पे रखा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माउस जो है वो प्रॉपर तरीके से रन करने लगा है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं कुछ बजट रेंज में माउस कीबोर्ड तो ऐसे ही प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दो इसलिए परचेस किया क्योंकि मुझे दोनों की जरूरत थी, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पे परचेस कर लिया है, माउस और कीबोर्ड। और रही बात कीबोर्ड की तो यहाँ पर सिंपल तरीके से ऐसे ही डाटा केबल को आप कीबोर्ड में यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लगा के अब यहाँ पर आप डेस्क पे देखते जैसे ही लगाएंगे तो एक अलग ही नॉइस आपको, नोटिफिकेशन नॉइस अपने पीसी या फिर लैपटॉप में आपको देखने को मिल जाती है। और उसके बाद आप कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं सिंपल तरीके से। और सबसे अच्छी बात मुझे इस कीबोर्ड की ये लगी कि अभी तक जब भी आप इसे यहाँ पर किसी भी कीबोर्ड को यूज करते हो तो थोड़ा सा भारी होता है, जिसकी वजह से आप अपने पैर पे भी कभी रख के यूज करना चाहते हो तो प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर कीबोर्ड को जैसे ही मैं यूज करता हूँ तो इसकी जो बटन्स है, अगर बटन्स काफी अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, स्प्रिंग के साथ वर्क करते हैं, तो आपको टाइपिंग भी करने में काफी अच्छा लगता है। और लैपटॉप में अगर आप लैपटॉप के बटन्स को यूज करते हैं तो वो खराब होने के भी चांसेस होते हैं, तो इसलिए अलग से कोई की भी कीबोर्ड यूज करना चाहता है जिससे उनके लैपटॉप को काफी अफेक्ट ना पड़े। और पीसी में तो आपको कीबोर्ड लेना ही पड़ता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर लेना। जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और जैसे ही अगर हमारे ये वीडियो रैंक करने लगता है तो इस कीबोर्ड का मैं गिव अवे भी करने जाऊंगा। यहाँ पर मैं इस कीबोर्ड का गिव अवे भी कर सकता हूँ, तो इसके लिए आपको कमेंट भी करना जरूरी होने वाला है। जैसे कि गिव अवे में आप जो पार्टिसिपेट करेंगे वो कमेंट के तौर पे ही बनेंगे। और उसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए और यहाँ पर मुझे मेंशन करिए अपने स्टोरी में, तो आप भी जीत सकते हैं कीबोर्ड और माउस। बहुत सारे गिव अवे हमारे चैनल पे भी चल रहे हैं तो जाके तुरंत पार्टिसिपेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।